हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल रिव्यू बाजार में एक बार फिर से। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन बॉक्स ऑफिस पर चल रही सुपरस्टार अजय देवगन की फिल्म तानाजी, अक्षय कुमार की फिल्म गुड न्यूज, इस हफ्ते रिलीज हुई वरुण धवन की फिल्म स्ट्रीट डांसर और कंगना रनौत की फिल्म पंगा के अभी तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में। इसी के साथ दोस्तों बात करने वाले हैं सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म अलावैकुंठ पुरामुल्लो का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, जिसने कि तेलुगु बॉक्स ऑफिस पर कई सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको डेली बॉक्स ऑफिस न्यूज मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं इस हफ्ते रिलीज हुई फिल्म पंगा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, जिसके लीड में दोस्तों आपको बॉलीवुड की लेडी सुपरस्टार कंगना रनौत, ऋचा चड्ढा, जस्सी गिल और नीना गुप्ता नजर आई है। अश्विनी तिवारी अय्यर के डायरेक्शन में बनने वाली दोस्तों ये फिल्म एक स्पॉट ड्रामा फिल्म है, जिसे कि ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छे रिव्यूज मिले। यहाँ तक कि दोस्तों ये फिल्म कंगना रनौत के कैरियर की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म भी बताई गई है। अगर बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो बताया दोस्तों आपको कि कंगना रनौत की इस फिल्म को ऑल ओवर इंडिया में लगभग 1450 स्क्रीन पर इस हफ्ते रिलीज किया गया है, जिसका क्लेश हुआ है वरुण धवन की फिल्म स्ट्रीट डांसर के साथ। यही वजह रही दोस्तों की इस फिल्म ने अपने पहले दिन तो बॉक्स ऑफिस पर लगभग 2,70,00,000 ही कमा पाई, लेकिन ऑडियंस की तरफ से मिल रहे काफी अच्छे रिव्यूज के बाद इस फिल्म के जो सेकंड डे के कलेक्शंस थे उसमें लगभग 50% से ज्यादा की ग्रोथ देखी गई। और यही वजह है दोस्तों कि यह फिल्म अपने सेकंड डे में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 4,56,00,000 रुपए कमा रही है। इसी के साथ इस फिल्म का टोटल कलेक्शन हो चुका होगा लगभग 6,70,00,000 रुपए का। वहीं अगर बात करें इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस की, तो दोस्तों दो दिनों में यह फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर लगभग 10,40,00,000 रुपए कमा चुकी है। बजट है दोस्तों इस फिल्म का लगभग 40 करोड़ रुपए और इस फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर हिट होने के लिए लगभग 55 करोड़ रुपए की कमाई करनी है, जो कि यह फिल्म आसानी से कर सकती है। बात की जाए दोस्तों यहाँ पर अब इस हफ्ते रिलीज हुई दूसरी फिल्म स्ट्रीट डांसर 3D के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जो कि एक डांसर ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म के लीड में दोस्तों आपको बॉलीवुड के उभरते हुए सुपरस्टार वरुण धवन, श्रद्धा कपूर, प्रभु देवा और ब्यूटीफुल नोरा फतेही नजर आई है। रेमो डिसोजा के डायरेक्शन में बनने वाली दोस्तों इस फिल्म को ऑल ओवर इंडिया में लगभग 3,700 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था, जिसका कि प्रोडक्शन हाउस है टी सीरीज। यही वजह है दोस्तों कि इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा प्रमोशन मिला, लेकिन ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से मिले हुए मिक्स रिव्यूज के बाद इस फिल्म के पहले दिन के जो कलेक्शन थे वो काफी ज्यादा स्क्रीन पर भी काफी कम रहे और इस फिल्म ने अपने पहले दिन मात्र 10,26,00,000 रुपए ही कमाए। हालांकि दोस्तों इस फिल्म दूसरे दिन के कलेक्शंस में थोड़ी सी ग्रोथ देखी गई और वरुण धवन की इस फिल्म ने अपने दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 22-23% की ग्रोथ दिखाई। यही वजह है दोस्तों कि यह फिल्म आज अपने दूसरे दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 12.5 से 13.5 करोड़ रुपए कमा रही है और इस फिल्म का जो दो दिनों का टोटल कलेक्शन होगा वो हो चुका होगा लगभग 23 करोड़ रुपए का। दोस्तों बताना चले आपको कि इस फिल्म का जो बजट है वो लगभग 85 करोड़ रुपए का है और इस फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर हिट होने के लिए लगभग 110 से 120 करोड़ पे ही कमाई करनी है, जो कि दोस्तों इस फिल्म के लिए थोड़ा मुश्किल लग रहा है। दोस्तों बता दे चले आपको कि इस फिल्म ने अपने दो दिनों में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर लगभग 30 करोड़ रुपए ही कमाई कर ली है और इसी के साथ वरुण धवन की यह फिल्म अभी तक तो एक एवरेज फिल्म साबित हुई है। बात की जाए दोस्तों यहाँ पर अब तीसरी फिल्म छपाक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, जिसके लीड में आपको दीपिका पादुकोण और विक्रांत मेसी नजर आए थे। बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों इस फिल्म को 10 जनवरी के दिन लगभग 1750 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था और इस फिल्म का क्लेश हुआ था सुपरस्टार अजय देवगन की फिल्म तानाजी के साथ। इसी वजह से दोस्तों इस फिल्म के जो पहले दिन के कलेक्शंस थे वो काफी कम रहे और इस फिल्म ने अपने पहले दिन कमाए 4,77,00,000 रुपए। इस फिल्म के तीन दिनों के कलेक्शंस की बात करें तो दोस्तों बता दें आपको कि इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स रिव्यूज मिले। यही वजह रही कि इस फिल्म ने भी अपने शुरुआती तीन दिनों में तो मात्र 19 करोड़ रुपए कमाए, लेकिन दोस्तों उसके बाद ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास होल्ड नहीं कर पाई और इस फिल्म का जो फर्स्ट वीक का टोटल कलेक्शन था वो रहा था मात्र 28,38,00,000 रुपए का। वहीं अपने सेकंड वीक में भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई और इस फिल्म ने अपने सेकंड वीक में टोटल कमाई की लगभग 6 करोड़ रुपए की। थर्ड वीक में तो दोस्तों इस फिल्म की स्क्रीन पूरी तरह से कम कर दी गई है और दोस्तों अब ये फिल्म अपने थर्ड वीक में गिने चुने 100 से 200 थिएटर्स में चल रही है। यही वजह है दोस्तों कि इस फिल्म के जो थर्ड वीक के कलेक्शन है वो कुछ खास नहीं रहे। और अभी तक के कलेक्शन की बात करें तो दोस्तों इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने 16 दिनों में लगभग 35 करोड़ रुपए कमाए हैं।
वहीं दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म लगभग 55 करोड़ रुपए की कमाई अपने 16 दिनों में कर पाई है। बजट है दोस्तों इस फिल्म का लगभग 30 करोड़ रुपए और इस फिल्म को भी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर हिट होने के लिए लगभग 40 से 45 करोड़ की कमाई करनी थी, जो कि यह फिल्म नहीं कर पाई है और बॉक्स ऑफिस पर दीपिका पादुकोण की यह फिल्म एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई है। अब दोस्तों यहाँ पर बात कर लिया सुपरस्टार अक्षय कुमार सर की ब्लॉकबस्टर फिल्म गुड न्यूज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, जो की एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी। सुपरस्टार अक्षय कुमार, करीना कपूर, कियारा आडवाणी और दिलजीत दोसांझ स्टारर इस फिल्म को ऑल ओवर इंडिया में 27 दिसंबर के दिन लगभग 3100 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था और इस फिल्म के साथ सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म दबंग 3 भी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर चल रही थी। उसके बावजूद भी दोस्तों सुपरस्टार अक्षय कुमार की इस फिल्म ने अपने पहले दिन लगभग 17 करोड़ 56 लाख रुपए की धमाकेदार कमाई की, जो कि एक नॉन हॉलीडे में रिलीज होने वाली फिल्म के लिए काफी अच्छा कलेक्शन है। ऑडियंस की तरफ से इस फिल्म को काफी अच्छे रिव्यूज मिले, यही वजह रही कि इस फिल्म ने अपने फर्स्ट वीक में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 127 करोड़ 90 लाख रुपए कमाए और अपने सेकेंड वीक में कई सारी नई फिल्में रिलीज होने के बाद भी 53 करोड़ 46 लाख रुपए कमाए। इसी के साथ यह फिल्म अपने 2 हफ्तों में 181 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कर चुकी थी। अगर बात करें इस फिल्म के थर्ड वीक की, तो दोस्तों थर्ड वीक में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर सुपरस्टार अजय देवगन सर की फिल्म तानाजी रिलीज हो चुकी थी। यही वजह है कि इस फिल्म के जो थर्ड वीक के कलेक्शंस थे वो रहे 15 करोड़ 74 लाख रुपए के और अपने चौथे हफ्ते में इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 6 करोड़ 90 लाख रुपए कमाए। दोस्तों यह इस फिल्म का 5वां हफ्ता चल रहा है और अपने 5वां हफ्ता खत्म होते होते यह फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अक्षय कुमार सर के करियर की एक बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म बन चुकी होगी और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर तो यह फिल्म 320 करोड़ से ज्यादा की कमाई अभी तक कर चुकी है। बजट है दोस्तों इस फिल्म का मात्र 60 करोड़ रुपए और इसी के साथ अक्षय कुमार की यह फिल्म उनके करियर की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी है। अब यहाँ पर बात की जाए दोस्तों साउथ के सबसे बड़े सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म अलावैकुंठ पुरामुल्लो के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जो कि दोस्तों तेलुगु बॉक्स ऑफिस पर कई सारे रिकॉर्ड बना चुकी है। दोस्तों बताते चले आपको कि तेलुगु के स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन की यह फिल्म एक एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसके लीड में आपको अल्लू अर्जुन के साथ पूजा हेगड़े और तबू मैम नजर आई है। वहीं इस फिल्म का डायरेक्शन किया है त्रिविक्रम श्रीनिवास ने। बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों लगभग 1800 स्क्रीन पर 12 जनवरी के दिन लगने के बाद इस फिल्म ने अपने पहले दिन तो 37 करोड़ रुपए की धमाकेदार कमाई की, जो कि दोस्तों एक तरह से आउटस्टैंडिंग कलेक्शन था। बाद में दोस्तों इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से काफी अच्छे रिव्यूज मिले, यही वजह रही कि इस फिल्म ने अपने शुरुआती 5 ही दिनों में 100 करोड़ 70 लाख रुपए कमा लिए, जो कि अल्लू अर्जुन के करियर में सबसे तेज 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली फिल्म बनी। वहीं अगर बात करें इस फिल्म के सेकंड वीक के कलेक्शंस की, तो दोस्तों बता दें आपको कि इस फिल्म ने अपने सेकंड वीक में भी बॉक्स ऑफिस पर काफी शानदार होल्ड किया। महेश बाबू की फिल्म सरीलेरू निक्के वरू से काफी टफ कंपटीशन मिलने के बाद भी इस फिल्म ने अपने सेकंड वीक में कमाए 67 करोड़ 70 लाख रुपए। वहीं दोस्तों अपने थर्ड वीक में भी यह फिल्म काफी शानदार कमाई कर रही है और इस फिल्म ने अपने 13वें दिन बॉक्स ऑफिस पर कमाए है 3 करोड़ रुपए। वहीं दोस्तों अपने 14वें दिन यह फिल्म लगभग 3 करोड़ 30 लाख रुपए कमा रही है। इसी के साथ इस फिल्म का टोटल कलेक्शन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर हो चुका होगा 175 करोड़ रुपए का। वहीं अगर बात करें इस फिल्म के हम लोग वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस की, तो दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म लगभग 240 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई करके अल्लू अर्जुन के करियर की एक बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर बन चुकी है। दोस्तों बता दें आपको कि इस फिल्म ने तेलुगु स्टेट में बाहुबली 2 के बाद सबसे ज्यादा कमाई करने का भी रिकॉर्ड बनाया है। साथ ही में यह फिल्म अमेरिकन बॉक्स ऑफिस पर 3 मिलियन से ज्यादा की कमाई करके तेलुगु इंडस्ट्री की वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म बन चुकी है। तो दोस्तों लगभग 80 करोड़ के बजट से बनने वाली अल्लू अर्जुन की यह फिल्म तेलुगु स्टेट में तो हो चुकी है ब्लॉकबस्टर। अब देखना यह होगा दोस्तों कि इस फिल्म के जो हिंदी राइट्स है वो कब आते हैं और इस फिल्म को हिंदी ऑडियंस कब देख पाती है। बात की जाए दोस्तों यहां पर अब सबसे मच अवेटेड फिल्म तानाजी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जिसके लीड में आपको बॉलीवुड के मास महाराजा अजय देवगन, काजोल मैम, शरद केलकर और सैफ अली खान नजर आए थे। भारत के वीर योद्धा तानाजी मालूसरे के ऊपर बनाई गई इस फिल्म को ऑल ओवर इंडिया में लगभग 3880 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था, जहां पर इस फिल्म ने अपने पहले दिन लगभग 15 करोड़ 10 लाख रुपए की शानदार कमाई की। दोस्तों बता दें आपको कि अजय देवगन स्टारर इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अभी तक कई सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जिसमें दोस्तों यह फिल्म महाराष्ट्र में बाहुबली 2 के बाद सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है। यहां तक कि दोस्तों इस फिल्म ने कई जगहों पर तो बाहुबली 2 का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। साथ ही में दोस्तों यह फिल्म इंडियन हिस्ट्री में नॉन हॉलीडे में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बनने वाली है और कबीर सिंह का रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। अभी तक के कलेक्शंस की बात करें, तो दोस्तों शुरुआती 3
दिनों में इस फिल्म ने लगभग 62 करोड़ रुपए कमाए, जो कि अजय देवगन के करियर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले 3 दिन थे। वहीं अगर बात करें इस फिल्म के फर्स्ट वीक की, तो फर्स्ट वीक में इस फिल्म का कलेक्शन रहा था 118 करोड़ 90 लाख रुपए का। वहीं अगर बात करें इस फिल्म के सेकंड वीक की, तो दोस्तों सेकंड वीक में भी इस फिल्म ने काफी आउटस्टैंडिंग कलेक्शन किया और कई सारी नई फिल्में रिलीज होने के बाद भी इस फिल्म का कलेक्शन अपने दूसरे हफ्ते का रहा लगभग 78 करोड़ रुपए का। बताते चले दोस्तों आपको कि तानाजी मालूसरे के ऊपर बनाई गई ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर डेली कोई ना कोई रिकॉर्ड जरूर बना रही है। थर्ड वीक में भी दोस्तों इस फिल्म ने कई सारे रिकॉर्ड बनाए और अपने 15वें दिन इस फिल्म के कलेक्शन रहे 5 करोड़ 38 लाख रुपए के, जो कि बाहुबली 2 और दंगल के बाद इंडियन हिस्ट्री में तीसरा सबसे बड़ा थर्ड वीक का कलेक्शन था। वहीं अगर बात करें इस फिल्म के 16वें दिन के कलेक्शंस की, तो दोस्तों आज एक बार फिर से इस फिल्म के कलेक्शंस में काफी शानदार ग्रोथ देखी गई और लगभग 50% से भी ज्यादा की ग्रोथ के साथ ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 10 करोड़ रुपए कमा रही है। इसी के साथ दोस्तों ये फिल्म दंगल को भी अपने 16वें दिन के कलेक्शंस में पीछे कर देगी और साथ ही में ये फिल्म बाहुबली की टक्कर में आ चुकी होगी। इस फिल्म का 16 दिनों का टोटल कलेक्शन हो चुका होगा लगभग 213 करोड़ रुपए का। वहीं दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म 280 करोड़ से ज्यादा की कमाई करके अजय देवगन सर के करियर की वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर बन चुकी है। तो दोस्तों अगर इन सभी फिल्मों का हिट और सुपरहिट टैग बताया जाए, तो अक्षय कुमार की फिल्म गुड न्यूज, अजय देवगन की फिल्म तान्हाजी और अल्लू अर्जुन की फिल्म अलावैकुंठ पुरामुल्लो बॉक्स ऑफिस पर रही है ब्लॉकबस्टर। कंगना रनौत की फिल्म पंगा बॉक्स ऑफिस पर एक हिट ट्रेंड कर रही है। वहीं दोस्तों स्ट्रीट डांसर और छपाक फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर एवरेज फिल्म साबित हुई है। आपको दोस्तों इन सभी फिल्मों में कौन सी फिल्म ज्यादा अच्छी लगी, आप हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।